आज का जो वीडियो है ये फिल्म एजेंट्स पर बेस्ड है। फिल्म एजेंट्स जो है इनके चक्कर में बहुत सारे राइटर्स जो है वो फंस जाते हैं, और राइटर्स ही क्या, जो एक्टर्स रहते हैं या फिर जो नए लोग रहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम पाना चाहते हैं, वो लोग इस उनके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनको अपने पेमेंट से लगभग 50% तक अमाउंट उनको दे देना होता है। तो इस पर मैं आप लोगों को आज कुछ बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप देखते रहे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि बहुत सारे राइटर्स, एक्टर्स और ऐसे बहुत सारे लोग जो फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने करियर को बनाने के लिए फिल्म एजेंट्स का सहारा लेते हैं। फिल्म एजेंट्स जो रहते हैं वो जनरली आपको प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर ही मिल जाएंगे। प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं उनका ऑफिस रहता है उनके, आप वो लोग देखेंगे कि आप उनके ऑफिस में गए, और उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वो लोग आपसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा देता हूँ, आपको मीटिंग करवा देता हूँ किसी दूसरे जगह पर, अगर आपका काम बन जाता है तो आप मुझे इतना परसेंटेज पेमेंट दीजिएगा अपने पेमेंट से, यानी जैसे अगर आपको 10 लाख में बात हुई तो आप 5 लाख उन्हें दे देंगे। तो इस तरीके का वो लोग करते हैं, इस तरीके का परसेंटेज मांगते हैं, लगभग वो लोग 50% तक मांग लेते हैं। तो यहाँ पर बात यह आ जाती है कि फिल्म एजेंट्स के जरिए आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए फिल्म प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि देखिए अगर आप मेरी मानिए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम रहता है सिर्फ आपको प्रोड्यूसर से मिला देना। उसके बाद फिर आप जब प्रोड्यूसर से मिलते हैं तो मिलने के बाद उनको स्क्रिप्ट पसंद आती है, उनको स्टोरी पसंद आती है, आपकी स्क्रिप्ट पूरी प्रॉपर फॉर्मेटेड रहती है, तभी प्रोड्यूसर उसे सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि एजेंट के कहने पर आपकी स्क्रिप्ट को वह सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे राइटर्स या फिर जो और लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड रहते हैं उनके दिमाग में ऐसा ये एक गलत फहमी रहती है कि एजेंट अगर प्रोड्यूसर को बोल देंगे तो प्रोड्यूसर आपकी हेल्प कर देंगे, प्रोड्यूसर आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आपको काम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बस इतनी सी बात दिमाग लगाइए कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो वो किसी के भी कहने पर वो स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, सपोज आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, अगर एजेंट कह देते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट पर वो फिल्म बना दे, तो क्या वो ऐसा करेंगे? उनके करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। तो इसीलिए एजेंट्स के कहने पर प्रोड्यूसर काम नहीं करते हैं। एजेंट्स का काम रहता है बस आपको प्रोड्यूसर से मिला देना, बस बाकी आपको काम करना है, आपको स्क्रिप्ट दिखानी है, आपको उन्हें नरेशन करना है, आपकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी, स्टोरी पसंद आएगी, तभी प्रोड्यूसर उसे सेलेक्ट करेंगे। एजेंट के कहने पर उसे पसंद नहीं करेंगे। एजेंट भले आपको ये बोलेंगे कि मैं आपकी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करवा देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बस आपको मिलवा देंगे, बस उसके बाद अगर आपका काम होना होगा तो होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और बाद में अगर आपका काम हो जाता है तो आपको उन्हें 50% तक कभी कभी पेमेंट दे देना पड़ता है, यानी अगर आपने 10 लाख में बात की प्रोड्यूसर से तो आपको 5 लाख उन्हें देने पड़ जाएंगे। तो चालाकी इसी में है कि आपको फिल्म एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना है, आपको फिल्म डायरेक्टरी के थ्रू प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करना है। बात वही पड़ेगी, आपको फिल्म डायरेक्टरी के थ्रू प्रोड्यूसर्स को ईमेल करना है, या फिर आप उन्हें फ़ोन पर बात करें, या फिर ऑफिस जाकर मीटिंग फिक्स करें। तो ये प्रोसेस है। तो ये अगर आप करते हैं तो प्रोड्यूसर से आप मीटिंग करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी रहेगी, पूरी प्रॉपर फॉर्मेटेड रहेगी, तो बिल्कुल आपको वो चांस देंगे और आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात है फिल्म एजेंट्स वाली, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको फिल्म एजेंट्स के थ्रू जाना है। आप खुद कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फिल्म एजेंट्स के थ्रू आपको जाकर कोई फायदा नहीं है। आप अपने से ट्राई कीजिएगा, बात आपको सेम पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ प्रोड्यूसर्स मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के में कुछ जो मिनिमम मान के चलिए 2-3% प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो खुद एजेंट्स को सेट करके रहते हैं, खुद एजेंट्स को फिक्स कर देते हैं, यानी उनके ऑफिस के बाहर में एजेंट्स घूमते रहते हैं। और सपोज आप गए, आपकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आई, तो सपोज वो आपको बोले कि 10 लाख में चलिए हम लोग डन करते हैं इसे, आपने भी बोल दिया कि हाँ 10 लाख में डन करते हैं। अब आप वहाँ एजेंट के थ्रू गए हैं तो आपको एजेंट को 5 लाख रुपीज देने हैं, और वो एजेंट जो है वो फिक्स किसके द्वारा किया गया है, वो एजेंट फिक्स किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो रिटर्न जो है वो 5 लाख आ जाएंगे प्रोड्यूसर के पास। तो ऐसा कुछ प्रोड्यूसर्स करते हैं, वो लोग जानबूझकर एजेंट सेट करके रखते हैं ताकि फिर एजेंट्स को 50% पेमेंट आप दे दें और फिर वो पेमेंट घुमा फिराकर उन्हीं के पास आ जाए 50% पेमेंट। तो ऐसा कुछ प्रोड्यूसर्स करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स जो है वो ऐसा नहीं करते, लेकिन 2-3% प्रोड्यूसर जो है वो ऐसा करते हैं। आप जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी, तो आप इस चीज से भी सतर्क रहिएगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो बहुत काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4,500 रुपये रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फी मात्र 3,900 रुपये है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3,900 रुपये का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं, या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।